आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी आलू की कचौड़ी। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम चीज़ों से बनके तैयार जाता है। बट यकीन मानिए, अगर आपने इसे एक बार बना लिया ना, तो इसे बार बार बनाने का मन करेगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार लगता है ये खाने में। तो आपका जब भी मन करे कुछ चटपटा खाने का, आप इस आलू कचौड़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा, और इसे बनाना मैंने बताया है बहुत आसान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूही और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल आयांस किचन में। तो चलिए आज के बहुत ही सिंपल और मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आलू की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहां पे 3 कप आटा लिया है। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। वैसे तो आलू की कचौड़ी मैदा से ही बनती है, बट मैं इसे थोड़ा हेल्दी तरीके से बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आटा लिया है। आप चाहे तो आधा आटा और आधा मैदा ले सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। इसे हाथों पे क्रश करके डालेंगे, इससे और भी अच्छा फ्लेवर आता है, तो हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। कचौड़ी में मोयन के लिए देसी घी का यूज़ करें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और जो कचौड़ी है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और खस्ता भी बनती है। तो यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी डाल देना है। हमें घी इतना डालना है कि जब हम मोयन देने के बाद मुट्ठी बांधे ना, तो बन जाना चाहिए। तो बस हमें इतना ही डालना है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर कम पड़ेगा तो मैं अभी देसी घी और भी डालूंगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से, जिससे कि घी अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए और कोई भी लम्स यानी कि गांठें ना रहे। यहाँ पे मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए, जब हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो बन जाना चाहिए, बस इतना ही हमें डालना है। अब हम इसमें पानी डाल के इसका एक डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसका एक डो बना लेना है। हमें डो सॉफ्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। तो पानी मिक्स करते जाएं और इसे आटा को गूँथ लें, और इसका एक डो हमें सॉफ्ट सा तैयार कर लेना है। तो चलिए इसका डो तैयार कर लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये देखिए, आटे को मैंने गूँथ लिया है, इतना सॉफ्ट होना चाहिए, आप देख सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। तो अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाला है, और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा और 2 लाल मिर्च को अच्छे से कूट लिया है, यानी कि उसको दरदरा पीस लेना। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। और तेल में हम डालेंगे ये जो हमने मसाला तैयार करके रखा था ना, दरदरा वाला, बस इसे हम डाल देंगे। अगर आपके पास सूखे धनिया का बीज हो तो आप उसे भी डाल दीजिएगा 1 बड़े चम्मच। मेरे पास अभी नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पे हम 3 चम्मच डाल देंगे बेसन। बेसन डालने से जो हमारा आलू का मसाला होगा ना, वो सूखा सूखा बनेगा, यानी ड्राई बनेगा, नहीं तो जो मसाला होता है थोड़ा सा गीला रह जाता है। तो हम बेसन को अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए हमें बेसन को भून लेना है। हमें बेसन को लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 2 छोटी चम्मच मैंने तेल और डाला था। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग डालना है हमें, और 1/2 टीस्पून काला नमक, और स्वाद अनुसार नमक जो हम सादा सब्जी में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी लिया है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे 4 मीडियम या बड़े साइज़ के उबले हुए आलू, जिसे कि मैंने ग्रेट करके रखा था। इसे ग्रेट ही करना है, क्योंकि हमें आलू में कोई भी बड़े पीसेस नहीं चाहिए, तो आलू को ग्रेट कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप नमक को टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक थोड़ा सा कम लगे तो इसमें नमक थोड़ा सा और डाल दें। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, और ठंडा होने के बाद इसका छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। नींबू से छोटे साइज़ का हमें बॉल्स बनाना है, तो इतने ही बड़े साइज़ का हमें बॉल्स बनाना है। तो सारे बॉल्स को हम इसी तरीके से बना लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम कचौड़ी में इसे भरेंगे ना, तो हमें बहुत ही आसानी होगा। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स को बना लिया है, बहुत ही आसानी से बनके तैयार जाता है। अब हम आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हाथों में ऑयल ग्रीस करेंगे, और इसे अच्छे से हम फिर से एक बार इस तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे।
तो ये देखिए आटा जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसे बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों हाथों में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करें और जो हमने आलू स्टफिंग के बॉल्स बनाए ना उसे थोड़े से बड़े हमें लोई बना लेना है। तो इस तरीके से नींबू के साइज़ का हमें लोई बना लेना है। तो सारे हम लोई को पहले बना लेंगे, या फिर आपको जितने बनाने का चौड़ी आप उतना एक बार में बना लीजिएगा। तो इस तरीके से सारे लोई को बना लेंगे, मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमें लोई को फैलाना है, बीच में कटोरी जैसा गड्ढा करना है और एक स्टफिंग वाले बॉल्स को रखना है और इस तरीके से हमें इसको तोड़ लेना है। तो ये देखिए बस हमें इसे हाथों से फैला देना है। तो ये हमारी आलू की बहुत ही मज़ेदार सी कचौड़ी बन के तैयार है। बस अभी हमें इसे फ्राई करना है क्योंकि ऐसे तो इसे खा नहीं सकते। एक कचौड़ी हमारी बन के तैयार है, अब हम इसी तरीके से दूसरा भी बना के आपको दिखा रहे हैं जिससे कि आपको बनाने में आसानी होगा। तो पहले लोई को हम चिकना करेंगे हाथों पे अच्छे से और अब हम इसे इस तरीके से कटोरी जैसा गड्ढा करेंगे और इसमें एक स्टफिंग वाला बॉल्स रखेंगे और इसे हम चारों तरफ से मोड़ लेंगे सब तरफ से। इसे हमें एक जगह इस तरीके से इकट्ठा करना है और दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से इकट्ठा करके कट कर लेना है। बस हमें इसे थोड़ा सा हाथों पे घुमाना है और इस तरीके से फैलाना है। तो ये हमारी दूसरी भी कचौड़ी बनके तैयार है और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, इसे बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कचौड़ी बन भी जाता है। तो इस तरीके से मैंने दो कचौड़ी बना ली है और सारे कचौड़ी को हम इसी तरीके से बना लेंगे। तब तक हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। सारे को मैंने बना लिया है जितना हमें फ्राई करना था। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में हम तेल लेंगे, तो तेल हमें 1 से 1.5 कप लेना है जितना हमें फ्राई करने में ज़रूरत पड़ेगी। तो आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या जो भी ऑयल यूज़ करते हो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा हम इसे हेल्दी तरीके से बनाना चाह रहे हैं। वैसे तो ये हेल्दी नहीं है क्योंकि इसे हमें फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, बट फिर भी दूसरे ऑयल से यानी रिफाइंड ऑयल से हम इसे नहीं फ्राई करेंगे, इसे हम सरसों में के तेल में ही फ्राई करेंगे, इसे थोड़ी तो हेल्दी बन सके। तो तेल को हम गर्म होने देंगे, हमें तेल को लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है और तेल के गर्म होते ही हम इसमें कचौड़ी डाल देंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 6 से 7 कचौड़ी बना के तैयार कर ली है और अभी हम इसे फ्राई करेंगे और एक बार में जितना स्पेस होगा कढ़ाई में हम उतना ही फ्राई करेंगे और जितना ज़रूरत हो उतना फ्राई कर सकते हैं। और इस कचौड़ी की खास बात यह है कि आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने अभी कचौड़ी बना के दिखाया ना 7 पीस, वैसे ही आप प्लेट में फैला के फ्रीजर में रख दें और अच्छे से 1 घंटे बाद उसे किसी फिर निकाल के एयर टाइट कंटेनर में रख दें और उसे जब चाहे तब फ्राई करें। ऐसे करके आप 10 से 15 दिन तक के लिए कचौड़ी को रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब भी फ्राई करना हो उसके 1/2 घंटे पहले निकालिएगा या फिर 15 मिनट पहले भी निकाल सकते हैं और उसे फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो गया है, मैंने थोड़ा सा लोई डाल के चेक किया था और अब हम इसमें कचौड़ी को डाल देंगे। तो हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि जब हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो कचौड़ी क्रिस्पी नहीं बनेगा और हमें कचौड़ी क्रिस्पी बनाना है जिससे कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे। तो इसे लो टू मीडियम पर फ्राई कर लेंगे और तुरंत इसे नहीं पलटे, एक साइड से जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद पलटे। तो चलिए इस तरीके से हम इसे बीच बीच में पलटते हुए फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे कचौड़ी जब इस कलर का हो जाए तो हमारा कचौड़ी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम सारे कचौड़ी को निकाल लेंगे। तो इस तरीके का हमें बस फ्राई करना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है, अब देखने से ही लग रहा है ना कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है, और वाकई बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है और खाने में तो पूछे मत, बहुत ही मज़ेदार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो प्लेट में मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर रखा था, इस पर हम निकालेंगे जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में रह जाए। अब हम इसी तरीके से बाकी भी कचौड़ी को फ्राई कर लेंगे और जितना स्पेस हो कढ़ाई में उतना कचौड़ी डालना है। आप अगर ज़्यादा बड़े कढ़ाई में कर रहे हैं तो आप और भी कचौड़ी डाल सकते हैं और आप चाहे तो थोड़े छोटे भी कचौड़ी बना सकते हैं, आपको जैसा भी पसंद हो। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे भी कचौड़ी को फ्राई कर लेंगे। और एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमें गैस के फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, मीडियम भी नहीं करना है, लो से बस थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, यानी लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसी तरीके से बीच बीच में पलटते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कचौड़ी बनके तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो इसे हरी चटनी या टमाटो केचप किसी के साथ भी खा सकते हैं, बट ये हरी चटनी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है तीखी वाली, तो मैं तो उसी के साथ आज बना रही हूँ। तो चलिए इसी तरीके से सारे को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सेकेंड बैच के भी कचौड़ी को फ्राई कर लिया है
बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी सी आलू कचौड़ी बनके तैयार है। इसे मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, बस किचन में रखी हुई कुछ चीज़ों से बन के तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। और सर्दियों के दिनों में अगर ऐसी गर्मा गर्म कचौड़ी, वो भी चटपटा आलू का मिल जाए तो क्या कहना है। सर्दियों में तो कचौड़ी और भी अच्छी लगती है, तो आप इस समोसे और पकौड़े को भूल जाएंगे अगर ये आलू की कचौड़ी बना लेंगे तो। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।